अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद अली सईद नेटवर्क एंड वीस्फेयर एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा नेटवर्क एसेंशियल प्लस CCNA प्लस CCMPN कोर बैच 5 चल रहा है और सेशन नंबर 33 स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, और आज का सेशन बहुत ही छोटा होगा क्योंकि उसके बाद मेरा सेशन है 10 मिनट बाद RGSA का, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ऐसा करेंगे कि आज का सेशन बहुत छोटा रखें ताकि आप लोग भी देख सकें आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट मी शो द स्क्रीन। ओके, हमने कल पढ़ा था सेन तक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्या नेटवर्क का एक टाइप है वेन। तो कैसे, चलिए पढ़ते हैं। पहले तो पेंट ओपन करते हैं, पेंट ओपन करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वेन। तो थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कर सके, बिकॉज इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, लिख लिया ना। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ये देखिए, हमने कल पढ़ा था किस लेक्चर में, लेक्चर 18 में सेन। आज हम स्टार्ट करेंगे वेन से, ये देखिए वेन, सेन के बाद है वेन, ये देखिए सेन के बाद वेन। तो चलिए पढ़ते हैं वेन। वेन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि वेन स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो चलिए देखते हैं वेन स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो हमारे पास इसका आंसर है, अगर आप लोगों को आता है, मैंने अभी बताया 10 सेकंड पहले, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आंसर दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे बताने से पहले आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, सो वेन स्टैंड्स फॉर व्हाट, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अगला पॉइंट, इट इज लेस सिक्योर देन मेन एंड वेन, इट हैव टू टाइप्स। इसका मतलब है कि ये कम सिक्योर है मेन से, क्यों? क्योंकि मेन में अपने सिटी को सिक्योर करना होता है, और वेन में अपने पूरे वर्ल्ड को या मल्टीपल कंट्रीज को। तो जाहिर है एक सिटी को सिक्योर करना, उसके नेटवर्क को सिक्योर करना आसान है, इसलिए वेन कम सिक्योर है मेन से, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया या मल्टीपल कंट्रीज को सिक्योर करना पड़ता है। एंड वेन It have two types, and when के दो types है, सही है? पहले तो आते हैं और पॉइंट उठाते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास के क्या when is less secure than what। पहले तो ये पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए, सही है? तो चलिए आपका आंसर हम देते हैं कि आप क्या आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं बाद में चेक करूंगा रिकॉर्डिंग के बाद, देखते आप क्या आंसर देंगे। तब तक मैं आंसर दे देता हूँ, तो उससे पहले आपने आंसर मुझे दे देना है, सही है? कि वेन किस चीज से नेटवर्क के टाइप में कम सिक्योर है। सो वेन इज लेस सिक्योर देन, किस चीज से, मेन एंड लेन, मेन और लेन दोनों से। क्यों? क्योंकि मेन में सिटी को सिक्योर करना पड़ता है और लेन में बिल्डिंग को। तो जाहिर है वो आसान है ना, वेन में पूरी दुनिया है, मल्टीपल कंट्रीज को, तो मुश्किल है। तो ये मेन और लेन दोनों से कम सिक्योर है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, चलिए देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है क्या, थर्ड पॉइंट है कि वेन हैव टू टाइप्स। तो हैव टू टाइप्स, ओके, कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स है, आप लोगों ने मुझे आंसर दे देना है कमेंट बॉक्स में, बिफोर आई आंसर आप लोगों ने मुझे आंसर दे देना है, सही? चलिए देखते हैं आपका क्या आंसर है। तो एक तो जो टाइप है उसे हम कहते हैं पब्लिक, दूसरे को हम कहते हैं प्राइवेट। ओके, हो गया। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, यानी वेन के है, वेन है टू टाइप्स, वेन के दो टाइप्स है ना, फर्स्ट कौन सा है और सेकेंड कौन सा है, जानते हैं। फर्स्ट तो है पब्लिक वेन, दूसरा है प्राइवेट वेन, देखिए पब्लिक वेन और प्राइवेट वेन, पब्लिक वेन एंड अनदर वन इज प्राइवेट वेन। ओके, होगा। अब पब्लिक वेन का एग्जांपल क्या होगा, सवाल ये है। तो पब्लिक वेन का एग्जांपल है इंटरनेट, यानी पूरी दुनिया में पहले हुआ है इंटरनेट, पब्लिक लिए आप यूज कर सकते हैं, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किसी से भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
और अगर हम प्राइवेट वैन की बात करें तो उसका एग्जांपल है वीपीएन। वीपीएन जानते हैं, जिसके जरिए आप कनेक्ट हो जाते हैं और आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्राइवेट हो जाता है ना, पब्लिक के लिए आपका आईपी अवेलेबल नहीं होता, वो आपका हाइड ही होता है। तो कौन सा वीपीएन, इसका एक एग्जाम्पल है एमपीएलएस वीपीएन, जिसमें कस्टमर साइट्स जो है उनको इसमें ऐसे कनेक्ट करवाते हो ताकि वो ओवर द इंटरनेट वीपीएन के जरिए प्राइवेटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, और किसी दूसरे के साथ नहीं, यानी आपस में सिर्फ कम्युनिकेशन कर सके, तो वो प्राइवेट वैन होगा। सही। सो इट इज लोकेटेड अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जाहिर बात है इसका जियोग्राफिकल लोकेशन वर्ल्ड ही होगा, और अक्रॉस कंट्रीज या मल्टीपल कंट्रीज। तो जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करते हैं अभी, और आज का सेशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा, मैंने आपको बताया क्यों, ताकि आप लोग आसानी से देख सके, ये ना कि इतने बड़े लंबे और पहले की तरह 2-2 घंटे, ताकि आप लोग ना देख सके। हम कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटा बनाए ताकि आप आसानी से वीडियो देख सके। सही। तो चलिए देखते हैं कि वैन का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होगा ना, तो लेट्स चेक इट। तो लोकेशन, चलिए आपके ख्याल में इसका लोकेशन क्या होगा, मैंने अभी 20 सेकंड पहले बताया, चलिए आप लोगों से जानता हूँ कि आप लोग क्या आंसर देंगे। तो वेटिंग फॉर योर आंसर, बिफोर आई आंसर यू शुड आंसर इन कमेंट बॉक्स। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। सही है। तो मेरा तो आंसर है, और उससे पहले आपका आंसर जरूरी है ना, आपने देना है, मैं आपको आंसर दे रहा चलूँ। इसके दो किस्म के लोकेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है मल्टीपल अक्रॉस, मल्टीपल कंट्रीज, यानी मल्टीपल कंट्रीज का नेटवर्क हो, या दूसरा एग्जांपल हो सकता है वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, यानी पूरे दुनिया का नेटवर्क। जैसे पूरी दुनिया में क्या चीज चलता है, कौन सा नेटवर्क चलता है, इंटरनेट पूरी दुनिया में चलता है, तो वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का एग्जांपल है। सही है। तो ये दोनों लोकेशन हो सकती है वैन के। आगे बढ़ते हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर 80 खत्म करें, और लेक्चर 81 हम कल से स्टार्ट करेंगे वीपीएन वाले टॉपिक से। तो यहाँ पर और क्या बातें हैं, व्हेन वी वांट टू कनेक्ट डिफरेंट लैन नेटवर्क्स वी विल यूज वैन। जब हम मल्टीपल लेन को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हम वैन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना है तो इंटरनेट के जरिए वो कनेक्ट हो सकते हैं वैन। डिफिकल्ट टू मेंटेन वैन नेटवर्क, जाहिर है इसको मेंटेन करना बहुत बड़ा काम है ना, क्योंकि दुनिया या मल्टीपल कंट्रीज के नेटवर्क को मेंटेन करना इजी काम तो नहीं है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, जाहिर है इस पर बहुत खर्च आएगा ना, जब इसे इंस्टॉल करोगे, ऐसे नेटवर्क को बनाओगे, मेंटेन करोगे, ट्रबल शूट उसमें मस्टेक कॉल करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैन का टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेक्चर 80 खत्म। लेक्चर 81 से कल स्टार्ट करेंगे, और वैन के बाद वीपीएन, वीपीएन हम पढ़ेंगे। वीपीएन क्या चीज़ है, आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वीपीएन वैन का ही एक टाइप है, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट वैन, जिसका एग्जाम्पल है एमपीएलएस वीपीएन। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे वीपीएन टॉपिक लेक्चर 81 से। तो आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट है, इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट है, इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी आप लोगों के लिए, और कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटा वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करें, ताकि आप लोग देख सके, ऐसा ना हो कि पहले की तरह 2-2 घंटे के वीडियो और आप लोगों को मुश्किल होना देखने में, वैसे वो भी देखिए उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटा बनाए ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।